तो आज की कैंडल तो बहुत ही खराब है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आईटीसी तो ढह जाएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज बुधवार का दिन है और बुधवार के दिन छोटा बुधवार में हम एक ऐसे स्टॉक की चर्चा करते हैं जिसने एक भारी गिरावट देखी, जो आज का टॉप लूजर रहा। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज का टॉप लूजर कौन सा था। तो आज का टॉप लूजर था आईटीसी, जिसने करीब करीब 3.25% की गिरावट देखी। तो आईटीसी का विश्लेषण हमने कुछ मास पहले 13 मार्च को किया था, तब से अब तक काफ़ी समय निकल चुका है, लेकिन जल्दी से देख लेते हैं कि हमने उस विश्लेषण में क्या कहा था। दिखने में तो ये रेड कैंडल है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी है। इस कैंडल को देख के हम एक स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन तो नहीं बना सकते क्योंकि ये रेड कैंडल है, लेकिन इसको देख के हम एक पोजिशनल ट्रेड जरूर ले सकते हैं। तो अगर हम पोजिशनल ट्रेड लेंगे तो इस रेखा के नीचे कहीं हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और इस रेखा के करीब हमारा टारगेट रहेगा। तो अगर आप पूर्ण रूप से विश्लेषण समझना चाहते हैं तो आप मेरा पुराना वीडियो जरूर देखिए, उसमें मैंने मासिक चार्ट और साप्ताहिक चार्ट का विश्लेषण किया हुआ है, उसका लिंक मैंने ऊपर छोड़ दिया है। तो हमारा 13 मार्च का विश्लेषण ये था कि इस स्टॉक में एक पोजिशनल ट्रेड बनाया जा सकता है और इस रेजिस्टेंस के लिए ट्रेड किया जा सकता है। तो आईटीसी ने थोड़ा समय तो लिया, लेकिन वो इस रेजिस्टेंस तक तो पहुँच ही गया, बल्कि उसके बाद भी इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद भी काफ़ी ऊपर निकल गया। तो अगर किसी ने यहाँ पे मार्च में निवेश किया होता तो उसको एक अच्छा लाभ मिल रहा होता। चलिए देख लेते हैं कितना लाभ। तो अगर किसी ने 14 मार्च को निवेश किया होता और रेजिस्टेंस तक होल्ड किया होता तो उसको करीब करीब 15% का लाभ मिल रहा होता, जो एक बहुत ही अच्छा लाभ है। चलिए इसको हटा देते हैं और समझ लेते हैं कि आगे आने वाले समय में आईटीसी में क्या हो सकता है। रुकिए, जरा ठहरिए, यहाँ पे हम जिन भी स्टॉक्स का विश्लेषण करते हैं उनमें मेरी खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं होती है। हम इन स्टॉक्स का विश्लेषण या रिव्यू केवल लर्निंग पर्पजेज़ के लिए करते हैं, एजुकेशनल पर्पजेज़ के लिए करते हैं। हम बड़ा बुधवार में उस दिन का टॉप गेनर ले लेते हैं और छोटा बुधवार में उस दिन का टॉप लूजर ले लेते हैं। इन दोनों स्टॉक्स को हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं और बाइगॉन बुधवार में हम अपने विश्लेषण का रिव्यू करते हैं। तो अगर आप इन स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं तो आप स्विंग ट्रेडिंग को अच्छी तरह समझिए और उसके बाद ही कोई निवेश का डिसीजन लीजिए। चलिए वीडियो पर वापस चलते हैं। तो आगे आने वाली चाल को समझने के लिए सबसे पहले आज की कैंडल देख लेते हैं। तो आज की कैंडल तो बहुत ही ख़राब है। आईटीसी ने करीब करीब 3.25% की गिरावट देखी है और भारी वॉल्यूम पर देखी है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आईटीसी तो ढह जाएगा। परंतु मुझे लग रहा है कि ब्रेकआउट के बाद ये पुल बैक है। तो चलिए जल्दी से इसका साप्ताहिक चार्ट देख लेते हैं। तो साप्ताहिक चार्ट में हमारी यहाँ पुरानी रेखाएं बनी हुई हैं, एक अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस थी और उसके बाद यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस थी। तो आईटीसी ने इन दोनों रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया है और भाव इससे ऊपर निकल गया है, और इससे ऊपर निकलने के बाद अब भाव पुल बैक कर रहा है और इस रेजिस्टेंस की तरफ आ रहा है। तो चलिए दैनिक चार्ट पर वापस चलते हैं। तो आज के समय भाव इन दोनों रेजिस्टेंस के बीच में है, जो अब ये सपोर्ट की तरह काम करेंगी। तो आगे आने वाले समय में अगर भाव यहाँ से बाउंस करता है, एक मानव कैंडल बन जाती है, तो इस स्टॉक में ट्रेड किया जा सकता है। तो आप इस स्टॉक को मॉनिटर करते रहिए, देखते रहिए कि आगे क्या चाल बनती है। अगर आपको एक अच्छी कैंडल मिल जाए, अच्छा बाउंस मिल जाए, तो आप इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। तो मुझे बताइए कि आपका विश्लेषण क्या है, आपको क्या लग रहा है, नीचे कमेंट करके मुझको विस्तार से बताइए। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़ोर से थम्स अप दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। नमस्ते और धन्यवाद।